आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक असमौली के गांव हीरापुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 40 किलोमीटर तो ब्लॉक से मात्र 5 किलोमीटर है। 2700 वोट और 8000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान फहीमुद्दीन ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। इनके विकास कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। ग्राम प्रधान फहीमुद्दीन और सचिव खड़क सिंह के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में गांव को किस तरह से सजाया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान प्रतिनिधि की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज इस समय हम यहाँ मौजूद है ब्लॉक असमौली के हीरापुर ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं या क्या कोशिशें इनकी आगे समय रहते जारी रहेंगी, इस सब के बारे में हम जानकारी लेंगे प्रधान पुत्र से। तो आइए बात करते हैं। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जैसे कि प्रधान जी आपके पिताजी हैं यहाँ और उनके 5 साल जो कार्यकाल है वो पूरा होने को है, समाप्ति की ओर है, तो अब तक के बीते हुए समय में क्या क्या विकास कार्य गाँव में करवाए हैं? विकास ये हो गया है कि जितनी भी CC 23 सड़कें हैं, 3 गांव हैं उसमें टोटली सड़क पड़ चुकी हैं जी। और स्कूल में जितना भी काम था गेट को लेके और शौचालय को लेके वो भी कंप्लीट हो चुका। मतलब स्कूल में जो कायाकल्प के अंतर्गत जितना भी सुविधाएं पहले से रही हैं वो आपने मुहैया करा दी? जी, सब मुहैया करा दी। आवास मिले हैं गाँव में लोगों को? आवास 5 ही मिले हैं, बाकी कोई आवास नहीं। तो वो भी शुरू में आए थे जी। तो अभी कितने परिवार ऐसे होंगे यहाँ गांव में जिन्हें आवासों की जरूरत है? अभी तो लगभग 35-40 आवास गरीब इतने हैं कि मिनिमम 35 से 40 को होने ही चाहिए जी। जी, उसके लिए आपने मतलब जी सूची जी जी सूची बनाई है, लेकिन अभी पहुँची है जी, समय रहते आगे जी 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 अभी समय रहते आ सकते। जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो आपके गांव में यहां कितने परसेंट लोगों को ये सब योजनाओं का लाभ मिला है? अभी लगभग 25 से 30% लोगों को ही मिल रहा है, बाकी अभी कुछ सम्मान निधि का पैसा जी जी जी। इतना कम क्यों? हालांकि यही है कि अकाउंट वगैरह गलत हो जाता है, ऊपर से पैसा आ नहीं पाता है, वही दिक्कत है, बाकी तो सब सही है जी। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है गांव में? साफ सफाई अच्छी है, बहुत अच्छी चल रही है। सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं? जी, सफाई कर्मचारी भी लगे हुए हैं, ध्यान दे रहे हैं वो भी। पीने के पानी को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह का? मतलब जैसे कि दूषित पानी आता है कई गाँवों में, आसपास देखा है कि पानी जो है गंदा रहता है, यहाँ ऐसी कोई समस्या? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है, पानी भी बिल्कुल ठीक आ रहा है यहाँ पे, सब ठीक है। गंदगी को लेकर कोई गलत चीज नहीं है, यहाँ पे सब ठीक है। स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट लगवाई है गांव में? लगवाई थी, लेकिन वो अभी सब चल नहीं पा रही है, काम नहीं कर रही है। मतलब जी, जो अब सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा गांव में देखा जाए तो जैसे बारात घर, पंचायत घर ये भी होते हैं, तो क्या आपकी ग्राम पंचायत में बने हुए हैं? जी, कुछ नहीं है, पुराना है, वो भी बेकार है, वो भी जर्जर हालत में है। जी जी जी। खेल का मैदान? वो भी नहीं है, खेल का मैदान भी नहीं है यहाँ से, और अस्पताल भी नहीं है कोई, बहुत दूर जाना पड़ता है। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? लगभग 5-6 किलोमीटर होगा असमौली। तो ग्राम समाज की जो जगह है वो है यहाँ गाँव में? जी जी, ग्राम समाज की जगह। तो उसके लिए कभी कोशिश की है कि यहीं पर अस्पताल बने या खेल का मैदान या इसके इस तरह की कोशिश कभी की है? प्रस्ताव रखा? जी, प्रस्ताव रखा है, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ, कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ जी। अब अपने गांव को और ज्यादा सुंदर और विकासशील बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से आप रखना चाहेंगे? अस्पताल हुआ, पंचायत घर हुआ, खेल मैदान है, और आवास है, जो गरीब लोग हैं वो कुछ नहीं मिल पाया अभी। गरीबों के लिए आवास एक शुरू में ही आई थी बस 5 से, वरना बहुत गरीबों की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है जी। जैसे कि आप युवा हैं और कामकाज का भार आपके कंधों पर है, उस लिहाज से देखते हुए क्या लगता है आपको कि किस तरह का विकास गांव में होना चाहिए, या जैसे आने वाले समय में आप चुनाव तैयार हैं, आगे की कोशिशें भी लोगों की जारी हैं, तो क्या आपको लगता है किस तरह से पूरी तरह से इसको गाँव को आप एक डेवलपमेंट की नज़र से देखेंगे? एक तो बारातें आती है इस गाँव में, तो कोई बारात घर नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि बस आती हैं, कार्स वगैरह आती हैं तो सड़क पे खड़ी होती हैं, उससे बच्चे को भी परेशानी होती है, ये जो भी सवारी आती है वो परेशान होते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि यहाँ बारात घर होनी चाहिए। फिर दूसरा आ जाता है कि खेल, जो बच्चे खेलते हैं, कोई भी ऐसा मैदान खाली नहीं है, खाली नहीं, बनवाया भी नहीं गया है, और पंचायत घर भी नहीं है यहाँ पे। और सफाई को लेके तो ठीक है, लेकिन अभी अगर पैसा और आए ऊपर से तो डेवलप हो भी जाएगा, अभी सड़कें भी पूरी तो मरम्मत नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ रह गए हैं बचे, जी जी कुछ रह गए हैं जी जी। आप कुछ और कहना चाहेंगे, अपने ग्रामवासियों को संदेश देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि
अभी कुछ काम यहाँ पे रह गए हैं, तो आने वाले टाइम में अगर ग्रामवासियों ने हमको कामयाब कराया इलेक्शन में, तो जो काम बाकी रह गया है हम वो करवाएंगे। जैसे कि कुछ लोगों को अभी लैट्रिन की प्रॉब्लम हो रही, नहीं बन पाई है, तो वो बनवाएंगे। आवास रह गए, आवास दिलवाएंगे, और खेल का मैदान हुआ, मैंने पहले भी बताया आपको, और पंचायत घर वगैरह, ये सब अभी तो नहीं हो पाया है, आगे वक्त में करा देंगे। जी जी, आगे आने वाले समय में अगर मौका मिला तो इनका जी बिल्कुल, अगर मौका दिया गांव वालों ने बिल्कुल कराएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है, अभी गांव में लोग बहुत आसपास बैठ के रहते हैं, कोरोना को लेके उनको जागरूक किया जाता है कि वो थोड़ा दूर डिस्टेंस बना के रहा करें गाँव में, क्योंकि वो लोग इसको हल्के में ही ले रहे हैं, मतलब कोरोना को समझ नहीं रहे हैं। तो उनसे यही कह रहा हूँ कि वो थोड़ा दूर डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस बना के रखें, और भीड़ भाड़ ज़्यादा ना लगाया करें। जो पास में बैठ जाते हैं लगभग 15-20 लोग, तो थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठें। जी, धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, प्रधान पुत्र से यहाँ हमने बातचीत की है। काफ़ी विकास इन बीते 5 सालों में यहाँ इनके द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, शौचालय से गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है, आवास भी कुछ लोगों को यहाँ मिले हैं। लेकिन इसके अलावा आज भी यहाँ 30 से 40 परिवार ऐसे मौजूद हैं जिन्हें आवासों की ज़रूरत है, जिसके लिए यहाँ प्रधान पुत्र ने प्रमुख रूप से सरकार से मांग भी रखी है, और कोशिश भी है कि अगर जनता दोबारा उन्हें यहाँ मौका देती है तो पूरी जिम्मेदारी और पूरी कोशिश के साथ उनको आवास दिलाने का जो है उनका प्रयास रहेगा। इसके साथ ही यहाँ जो समस्याएँ नज़र आई हैं वो सामने ये आई हैं कि बारात घर, पंचायत घर, खेल का मैदान, पंचायत घर जो कि काफ़ी जर्जर हालत में है, बहुत पुराना है, उसके नव निर्माण होना चाहिए। बारात घर और खेल के मैदान को लेकर यहाँ प्रमुख मांग रखी गई है। जिस तरह गरीब तबके के लोगों की शादी होती है, वहाँ आने में और बारातियों को ठहरने में यहाँ गाँव में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और साथ ही अस्पताल, सामुदायिक केंद्र जो कि यहाँ आसपास मौजूद नहीं है, काफ़ी कई किलोमीटर चलकर यहाँ मरीजों को जाना पड़ता है, जिससे काफ़ी परेशानी उनको सामने आती है। इन सब के लिए यहाँ प्रमुख मांगे रखी गई हैं। अशरफ अली के साथ नाज़रीन, Today 24 से। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम शफीक अहमद। शफीक अहमद जी, कहाँ के निवासी हो? मलकपुर नवादा की मड़ियाँ, ग्राम पंचायत हीरापुर। यहाँ पे ग्राम प्रधान जी का जो कार्यकाल है वो समाप्ति की ओर है, विकास कार्य को लेकर क्या कहना चाहोगे? विकास तो बहुत अच्छा किया है ना। अच्छा, किस तरह से? जैसे जैसे गांव में सड़कें हैं, शौचालय हैं गाँवों में, शौचालय सबके ही बनवा दिए, और सड़कें भी यहाँ 3 गांव लगते हैं हमारे यहाँ, तीनों गाँवों में सड़कें करेंगे इन्होंने। अलग अलग जी। अच्छा, आप इनके विकास कार्य से सहमत हो? बहुत अच्छी तरीके से, बहुत खुश है हम इनसे, आगे के लिए भी इनसे बहुत खुश। बल्कि ये कहिएगा कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ इस टाइम, कि इतना ईमानदार आदमी शायद है कि 1,000 गाँवों में हो। धन्यवाद, बस इतना ही कहना चाहूँगा।